माननीय उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली नगर निगम के एल्डरमैन को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है कि एल्डरमैन की नियुक्ति अब माननीय दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय करेंगे, जिसका हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी ये एल्डरमैन की नियुक्ति जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। यह हमारा उनसे निवेदन और प्रार्थना है। वो इसलिए है कि दिल्ली नगर निगम जो रुके हुए कार्य हैं सुचारू रूप से चलेंगे, स्टैंडिंग कमेटी बनेंगी, जोन चेयरमैन बनेंगे। इस उम्मीद और आशा के साथ मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं जितेंद्र कुमार कोचर जीतू, पूर्व नेता सदन दिल्ली नगर निगम। धन्यवाद। माननीय उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली नगर निगम के एल्डरमैन को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है कि एल्डरमैन की नियुक्ति अब माननीय दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय करेंगे, जिसका हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी ये एल्डरमैन की नियुक्ति जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। यह हमारा उनसे निवेदन और प्रार्थना है। वो इसलिए है कि दिल्ली नगर निगम जो रुके हुए कार्य हैं सुचारू रूप से चलेंगे, स्टैंडिंग कमेटी बनेंगी, जोन चेयरमैन बनेंगे। इस उम्मीद और आशा के साथ मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं जितेंद्र कुमार कोचर जीतू, पूर्व नेता सदन दिल्ली नगर निगम। धन्यवाद।